देवाशीष जी, जो कल जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पे आप है, यहाँ पे थाने में आए हैं, तो आप बताइए कि इसके बारे में क्या राय है यहाँ पे। देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग आए, कल संज्ञान में हमारे ये मामला आया, कल रात में हम लोगों ने एसएचओ साहब से बात की कि इस तरीके की घटना आपके वारदात आपके पार्लियामेंट स्ट्रीट के जस्ट थाने के सामने हुई है, और वहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उनके सामने भी कोई देश का संविधान जला के चला जाता है और बकायदा सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रहा है, पोस्ट डल रहे हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ हो रहा है, तो ये अधिक चिंता का विषय था। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे संज्ञान में ये मामला है नहीं, तो हमने कहा आप संज्ञान में इस मामले को लीजिए, सुबह आके हम इस पर FIR दर्ज कराएंगे। सुबह हमने FIR के लिए बोला, काफ़ी सारे साथी यहाँ पर आए। अभी हम लोगों ने DCP साहब को मिलके, जो अनिल तंवर भाई हैं, उनके नाम पर बिहार पर हम लोगों ने एक कंप्लेंट दे दी है, और कंप्लेंट वो ले ली गई है, और ये बोला गया है कि हम इस पर जल्द से जल्द और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उस पर कड़ी कार्रवाई मुहैया वो करेंगे, और साथ में जो सबूत है हम लोगों ने जो प्रेस रिलीज हुई है और जो वीडियो फुटेज वगैरह है वो हम सब लोगों ने उनको दे दी है, और हमें लगता है कि इस पर जो शासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो जल्दी कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई में जरा सी भी ढील कोताही बरती जाती है तो इस मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, और इस पर एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में किया जाएगा। पीछे अनिल तंवर जी, आप बताइए, जो ये संविधान जलाया गया था, तो आपने यहाँ पे रिसिप्ट दिया है, एप्लीकेशन दी है यहाँ पे संविधान जलाने के, इस पे तो आप बताइए कि इसका जो SHO साहब ने, कमिश्नर साहब ने, इसके आपने, उन्होंने साहब ने क्या बताया? अभी सबसे पहले हम गए थे DCP साहब के पास में, उन्होंने आश्वासन दिया है, उनको वीडियो क्लिपिंग देंगे, जैसे ही उनको देशद्रोह का केस जो बनता है वो दर्ज करेंगे। अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता है तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, और वो बहुत ही जल्द होगा, वो ऐसा आंदोलन होगा ST OBC माइनॉरिटी सब समस्त देशवासी जो कि संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, ये सभी की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है, वो सभी मिलकर एक ऐसा आंदोलन करेंगे। जैसे हमारे संज्ञान में जैसे ही आया है, रात को 8:30 एक्शन देखिए कुछ नहीं है, एक्शन तो दो तीन चर है यहाँ पर, इसमें जो नेशनल एम्बलम का जो डिसऑनर हुआ है उसके लिए एक अलग से धारा बनाई गई है, और उसके तहत उसमें 1 साल से लेकर 3 साल की सजा उसमें प्रावधान है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है। उसके अलावा जो नारे लगाए हैं, अंबेडकर मुर्दाबाद, अंबेडकर का संविधान जलाओ, ठीक है, SC ST एक्ट मुर्दाबाद, इस सारे नारे जाति जाति गालियां दी गई हैं, उससे SC ST एक्ट प्रिवेंशन का भी मामला बनता है, जो कि अभी हाल में ही फिर से लागू किया गया है। उसके अलावा तीसरा ये भावनाएं भड़काने का और दंगे कराने का, देश में दंगे कराने का मामला भी से बनता है, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, और इसमें मैक्सिमम देखिए उम्र कैद तक की भी सजा का प्रावधान है, रीजन भी बनता है। जरारिया जी, जैसा कि ये अगस्त का महीना है, 15 अगस्त नजदीक में है, और उस दौरान ये घटनाएं हो रही है। बिल्कुल, देखिए हम लोग देश की राजधानी के अंदर है, और यहाँ से चंद 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, देश की पार्लियामेंट हमारे सामने है, देश का पार्लियामेंट स्ट्रीट का ये पुलिस थाना है, और उसके सामने जंतर मंतर जो देश की धड़कन है, वहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। वही 15 अगस्त के जस्ट पहले इवन DCP साहब को भी हमने ये बात को अवगत कराया कि देश, ये 15 अगस्त का महीना है जहाँ पर देश में इस समय जो देश भावना होती है, राष्ट्रवाद की भावना होती है, वो अपने चरम पे होती है, और उस समय देश के संविधान जलाओ देश बचाओ जैसे नारे लगना कितना गलत, कितना भयावह है दृश्य है, और देश किस तरफ जा रहा है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे हम लोग बहुत ज्यादा इससे निराश है कि इस तरीके की बात दिल्ली पुलिस के सामने हो चुकी है। और जो अभी DCP साहब के तरफ से जो अभी आया है कि कब तक एक्शन लेंगे, उसका क्या? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया है, ठीक है, और हम लोग इसको फॉलोअप रेगुलर इसको हम फॉलोअप करेंगे, और जैसे ही फॉलोअप हो जाता है हम इसको, और हमने ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस मामले में हम प्रशासन की कोई कोताही, 1% भी कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि ये मामला खुद से संज्ञान में लेकर मामला दर्ज हो जाना चाहिए था, हम सभी लोगों को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इस समय आप देखिए सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों की तादाद में ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये पोस्ट वायरल हो रही है, उसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई नहीं किया तो चिंता का विषय है। इस मामले में हम 1% भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे।
देखिए जो घटना यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, यानी कि जो देश की राजधानी है दिल्ली है, और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, उनको फाड़ा जाता है, यही सरकार के लिए भी शर्म की बात है। आज हम लोग डीसीपी मधुर वर्मा जी से मिले हैं, हमने शिकायत सौंप दी है। भीमसेना के राष्ट्रीय प्रभारी अनिल तंवर जी ने ये शिकायत सौंपी है पूरे समाज के साथ में मिलकर के। यदि आगे कोई कार्रवाई चाहे पुलिस लीगल ओपिनियन ले या पुलिस जांच करे, ये काम पुलिस का है, लेकिन अगर दो दिन के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं हुई देशद्रोह में, SC/ST एक्ट में, IT एक्ट में और अन्य IPC धाराओं के अंदर, और उन्हें गिरफ्तार करके जेल की चार दीवारी के पीछे नहीं ठोका गया, तो भीमसेना और समस्त बहुजन समाज दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन छेड़ देगा। पूनम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये संविधान सिर्फ बहुजनों का नहीं है, पूरे देश का है। संविधान की अवहेलना के लिए अपमान किया गया है, और इसमें सभी साथियों को, जय भीम साथियों, यहाँ पर तहरीर दी गई है, जो एक DCP साहब ने आश्वासन दिया है, उसको लेकर आज सभी लोग यहाँ पर जमावड़ा हुआ है, जो कल देश विरोध एक तरीके संविधान विरोधी नारे लगे। देवाशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किस प्रकार आप इससे देश के भविष्य को किस तरफ ले जाया जा रहा है, ये कितना खतरनाक है, हो सकता है आगे के लिए भी, आप ये बताएं। देखिए साथियों, ऐसा नहीं है कि ना देश में ऐसे लोग नहीं रहे जो संविधान